भागते रहें लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहें, बस रुके मत, आएगा आपका दौर कभी। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मोशन इन प्लेन में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले ही मैंने बता लिया था कि मोशन इन प्लेन में चार सेगमेंट में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं, एक जनरल, दूसरा प्रोजेक्टाइल, तीसरा रिलेटिव और चौथा सर्कुलर। इस तरह से अगर हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमको डिस्कशन भी आसान होगा और समझ में भी पूरी तरह से आएगा। सर्कुलर मोशन अगर पढ़ना है तो कई बार मैंने कहा कि मोशन कोई भी पढ़ना हो आपको चार क्वांटिटी और तीन इक्वेशन की ज़रूरत होगी। आज फिर से वही चारों क्वांटिटी की बात करते हैं। हमने बताया था कि केवल प्रीफिक्स या सफिक्स चेंज होगा, बाद बाकी चीज़ें वही रहेंगी। देखिए, एक तरह से आप पुरानी कहानी बार बार दोहरा रहे हैं और पुरानी कहानी अपनी ही जुबानी। ओके, यहाँ पर देखिए तो चार क्वांटिटी में जो पहला क्वांटिटी होगा वो एंगुलर पोजिशन होगा। पोजीशन को जान चुके हैं, एंगुलर पोजीशन की बात कहेंगे। एंगुलर पोजीशन एक्चुअली अगर आप किसी भी सर्कुलर पाथ पे हैं, ऐसे केस में एक ओरिजिन या सेंटर होगा, सेंटर से एक जो लाइन गया इसको आप रेफरेंस ले सकते हैं, और रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखता है किसी लोकेशन पे तो उसको लोकेट कर लीजिए पी पॉइंट पे मान लीजिए, और पी पॉइंट पे दिखने वाला ऑब्जेक्ट रेफरेंस लाइन के साथ एक एंगल बना रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है, ये थीटा। यही थीटा जो है ये एंगुलर पोजीशन है, यानी एंगुलर पोजीशन जिसका नाम दिए, एंगुलर पोजीशन आपको मिला कितना, तो दैट इज थीटा। अभी थीटा की बात करें तो ये तो आपको रेडियस हो गया, और इसके सामने का जो लेंथ है वो आर्क लेंथ बोलेंगे। ओके, ऐसे केस में थीटा और आर्क लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है एस बाय आर। ओके, यहाँ पर साफ है कि आपको ये रिलेशन एंगुलर पोजीशन के लिए मिलेगा, जहाँ पर बोल सकते हैं ये एंगुलर पोजीशन है, ये लीनियर पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में। एंगुलर क्वांटिटी जितने भी होते हैं वो एक्सियल वेक्टर होते हैं, और ये वेक्टर जैसा बिहेव करते हैं जब ये स्मॉल में रहते हैं, लार्ज होने पर इसका बिहेवियर वेक्टर जैसा नहीं रहता। इस बात को फिर कभी पूरे डिटेल में जब रोटेशनल मोशन की बात होगी तो समझ लेंगे। फिलहाल याद रखें, एंगुलर क्वांटिटीज एक्सियल वेक्टर होते हैं जब स्मॉल मैग्नीट्यूड में हो। ओके, अभी चलिए ठीक है यहाँ तक। ओके, अभी बात आप कर लें इसके यूनिट की और डायरेक्शन की। तो यहाँ पर यूनिट अगर देखें तो बेसिकली दो तरह के मिलेंगे, एक तो आपको डिग्री में भी मिलेगा और दूसरा आपको रेडियन में भी मिलेगा। जहाँ तक सवाल है, डिग्री ये तो जनरल यूनिट है, हमेशा हम लोग यूज करते हैं, रेडियन इसका एसआई यूनिट है। ओके, और जब आपको एसआई यूनिट की बात होगी तो अगर ये फुल डिस्प्लेसमेंट हो जाता एंगुलर, मतलब थीटा 360 हो जाता, तो 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन बोलते, रेडियन का सिंबल आधा कटा हुआ सर्कल होता है। अगर इसी तरह से देखें तो 180 डिग्री आपके पास पाई रेडियन होता, अगर 90 करते तो उसका भी आधा, मतलब ये पाई बाई 2 हो जाता, 45 करते तो इसका भी आधा, मतलब पाई बाई 4 हो जाता। तो जो भी डिग्री है उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन मिल सकता है। इसी तरह से अगर आप माने कि 60 डिग्री है तो 180 का 1/3 है, इसलिए ये पाई बाई 3 हो जाएगा। 30 डिग्री अगर है मान लीजिए तो 180 का 1/6 है, इसलिए पाई बाय 6 हो जाएगा। अब वैल्यू की बात करें, 180 डिग्री ये 3.14 वैल्यू पुट करते हैं, जनरली इसका वैल्यू 22/7 भी होता है, और ये 22/7 या 3.14 कब यूज करेंगे इस पे भी बात हम बता दें आपको। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 3.14 ले लीजिए, जब डिवाइड कर रहे हैं तो 22/7 लेना अच्छा होता है, क्योंकि डिवीजन 3.14 से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसकी एसआई यूनिट की बात हो गई। हाँ, एक और बात, डायमेंशन अगर देखेंगे तो ऊपर लेंथ है आर्क लेंथ, नीचे रेडियस है वो भी लेंथ है, लेंथ बाय लेंथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ये डायमेंशन लेस होगा। ये बात हो गई एंगुलर पोजीशन की। दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो आपको है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट जैसा आप जानते हैं चेंज इन पोजीशन होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन एंगुलर पोजीशन होगा। अब देखिए ये कैसा है, मान लीजिए कि आप यहाँ से दूसरे पॉइंट तक पहुँच गए, ये दूसरा पॉइंट क्यू हो गया। ओके, ये जो एंगल आपको दिख रहा है इसको डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा थीटा दिखाएंगे। इसको पहले वाले को थीटा 1 मान लीजिए, सेकंड वाला का जो रेफरेंस लाइन से एंगल बना उसको थीटा 2 मान लीजिए। एंगुलर पोजीशन आपने इतना लिखा था, तो अगर आप इसको
थीटा वन लिखते हैं तो एस वन बाय आर, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं होगा। अगर थीटा टू लिखते हैं तो एस टू बाय आर, क्यों? क्योंकि फिर से आपको रेडियस चेंज नहीं होगा। एस वन आपको इस डायग्राम में यहाँ तक दिखेगा और एस टू आपको डायग्राम में ये दिखेगा। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें या लीनियर पोजिशन की बात करें तब। हाँ, अब अगर हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कितना लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर पोजीशन को बोल रहे हैं, ऐसे केस में इसको डेल्टा थीटा लिखिए। और डेल्टा थीटा क्या लिखिएगा? थीटा टू माइनस थीटा वन। ओके, तो ऐसे केस में आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, इसको एस टू बाय आर कर लीजिए और इसको एस वन बाय आर कर लीजिए। आर को एलसीएम ले लीजिए, तब आप क्या लिखेंगे? एस टू माइनस एस वन, और इधर डेल्टा थीटा तो था ही, तो आपका डेल्टा थीटा का जो एक्सप्रेशन आया वो डेल्टा एस। अगर थीटा टू माइनस थीटा वन डेल्टा थीटा है तो एस टू माइनस एस वन ये डेल्टा एस होगा बाय आर, ये मिल गया। हाँ, एक बात और, इसमें भी चेंज इन आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं बाय रेडियस, लेंथ बाय लेंथ डायमेंशन लेस होगा, और यूनिट जैसा पहले था वैसा ही इसका भी SI यूनिट रेडियन ही होगा। तो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी देख लिया, अब नेक्स्ट बात आएगी आपको एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद से तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है आपको एंगुलर वेलोसिटी। जैसा कि मैं बोल रहा था कि आपको केवल प्रीफिक्स चेंज करना है, बाद बाकी डेफिनेशन वही रहेंगे। जो वेलोसिटी का डेफिनेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी आप एंगुलर वेलोसिटी, इसको स्पेशल सिंबल, इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा से डिनोट करेंगे। वेल, ये ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, अगर एवरेज की बात कर रहे हैं तो, अगर एवरेज की बात कर रहे हैं तब। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ऊपर का यूनिट आपने रेडियन लिख लिया और नीचे का यूनिट सेकंड लिख लिया तो ओमेगा का जो SI यूनिट होगा वो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ओके, अभी डायमेंशन अगर लिखना चाहेंगे तो एंगल के लिए तो कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस होता है, तो चेंज ऑफ एंगल भी डायमेंशन लेस ही होगा। और चेंज इन टाइम को कैपिटल टी से, यानी टी माइनस वन। ओके, अगर डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन ऑफ किसका? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और रेडियन पर सेकंड आ गया। ओके, आगे और भी बातें आपसे करनी है, क्या जरूरी है? तो चौथा और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी, फोर्थ क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर मिलेगा एंगुलर, है ना, आप खुद ही सोच सकते हैं क्या मिलेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं, क्या? अल्फा, सिंबल को अलग रखने के लिए एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से। ओके, एक्सीलरेशन जैसे डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको अल्फा हो जाएगा। और इस क्वांटिटी में भी आप देखिए, ऊपर जो यूनिट था आपका रेडियन पर सेकेंड था, नीचे एक और सेकेंड आ गया, तो ये अरेंज होकर के, हाँ, अरेंज होकर के क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन रेडियन के लिए तो आप लिखेंगे नहीं, डायमेंशन टाइम के लिए टी टू दी पावर माइनस टू लिखेंगे। तो यूनिट भी और डायमेंशन भी, ये सब चारों क्वांटिटी की जब बात किए, ये चारों के चारों क्वांटिटी बेसिकली एक्सियल वेक्टर हैं। एक्सियल वेक्टर का नेचर हमने आपको पहले ही बता दिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, इस चार के अलावा यहाँ पर हमको दो और, चार के अलावा हमको दो और क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर बाद में रिलेशंस भी देखेंगे। तो अगला जो है वो आपको है टाइम पीरियड, पांचवा जो है इसमें टाइम पीरियड, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, ये पीरियोडिक होगा, और वैसे केस में इसमें मोशन जो है बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, ऐसा मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करे दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन में जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होता है जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अपना वन मोशन कंप्लीट करता है, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट, ओके, मोशन या वन मोशन कह लीजिए, ओके, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, टाइम पीरियड को जनरली डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, और इसका SI यूनिट सेकंड होगा, और डायमेंशन आपको टी थर्ड ब्रैकेट में होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है यहाँ पर जब सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो सिक्स्थ में चले आइए, सिक्स्थ में आपके पास टाइम पीरियड के बाद मिलता है जो है वो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये रिपीटेड मोशन है। ओके, तो ऑब्वियस है कि अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, कितना फ्रीक्वेंटली अपने आप को रिपीट करेगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो
ये डेफिनेशन होता है वो नंबर ऑफ कंप्लीट मोशन। हाँ, वन कंप्लीट मोशन में तो टाइम पीरियड बोल रहे थे, तो नंबर ऑफ कंप्लीट मोशन पर यूनिट टाइम। यहाँ पर कंप्लीट मोशन का मतलब क्या है, एक बार अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एक दो इस तरह से, ये अब कंप्लीट मोशन में रिवॉल्यूशन हो सकता है, सर्कुलेशन हो सकता है, ऑक्सीलेशन हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, और भी कुछ नाम आ सकते हैं। तो जो भी पीरियोडिक मोशन हो वो अगर पर यूनिट टाइम जितने कंप्लीट मोशन डिस्क्राइब कर रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर नंबर ऑफ कंप्लीट मोशन एन मान लें और बाय टी कर लें तो ये आपको फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मिल गया। ओके ओके, अभी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रीक्वेंसी के यूनिट की बात करें तो ये पर सेकेंड। ओके, क्योंकि नंबर का तो कोई यूनिट होगा नहीं, इसी को आप हर्ट्ज बोलेंगे, और डायमेंशन टी माइनस वन होगा। याद रखें एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का डायमेंशन सेम है बट यूनिट अलग अलग है, इस बात पे ध्यान देंगे। ओके, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, यूनिट से ही क्वांटिटी को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप कर लें, जनरली जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट जो होता है वो आपको आरपीएम, सीपीएम, आरपीएस, सीपीएस इस तरह का टर्म मिलता है। यहाँ पर आरपीएम रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, सीपीएम सर्कुलेशन पर मिनट, साइकिल पर मिनट। ओके, इसी तरह से यहाँ पर रोटेशन रिवॉल्यूशन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड की बात आ रही है। ऑब्वियस है ये पर सेकंड वाली बात जो है वो एसआई में की जा रही है, तो वन सीपीएस या आरपीएस वन हर्ट्ज के बराबर होगा। याद रखिएगा वन आरपीएस इज इक्वल टू वन सीपीएस इज इक्वल टू वन हर्ट्ज। ओके, ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब बार बार यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमको आरपीएम में दे दिया तो उसको सीपीएम या सीपीएस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन मान लीजिए पर मिनट, मतलब रिवॉल्यूशन बाय मिनट दिया है, अब इसको रिवॉल्यूशन बाय सेकंड करना है तो मिनट को तो 60 सेकंड्स लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये 1/60 नंबर रह गया और इसको आप आरपीएस लिख सकते हैं, यानी 1 RPM इज इक्वल टू 1/60 RPS। जब भी कन्वर्ट करना होगा इस कन्वर्सन को याद रखेंगे, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे या तो सर्कुलर मोशन हो नहीं तो रोटेशनल मोशन हो, वहाँ पे इसका डिस्कशन बहुत आपको ज़रूरत होगा। हाँ, अभी तक बात किया हमने 6 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, यहाँ कुछ और भी तरकीब निकालनी होगी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, कुछ रिलेशंस। जैसे कुछ रिलेशंस में क्या है कि पहला रिलेशन हम चाहेंगे तो पहला रिलेशन नोट करते जाइएगा, बिटवीन न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू बोलते हैं, एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी। ओके, अभी आपने न्यू को लिखा था कितना, तो दैट इज एन बाय टी। अब सोचिए एन नंबर ऑफ कंप्लीट मोशन है, टी टाइम है, अगर हम टाइम को कैपिटल टी कर दें, कैपिटल टी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन पीरियोडिक मोशन, तो एन तो अपने आप वन हो जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू देखिए 1/T। बहुत ही अच्छा आपके पास इक्वेशन आ गया। दूसरा रिलेशन अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन किस में, ओमेगा एंड टी, ओमेगा और टी के बीच में रिलेशन निकाल लें। देखिए यहाँ पर ओमेगा ऊपर ही कर देते हैं, रिलेशन हमको चाहिए ओमेगा एंड टी के बीच में, ये सेकेंड रिलेशन देखते जाइए ध्यान से। ओके, ये ओमेगा। अच्छा, अभी आपने ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिखा था, तो अगर आप टी को कैपिटल टी कर लें, कैपिटल टी करने का मतलब क्या है, एक रोटेशन में जो टाइम लगा, और एक रोटेशन में एंगल कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो टू पाई के बराबर होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। ओके, अब अगर आप लिखना चाहें थर्ड रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन ओके ओमेगा एंड न्यू, सभी रिलेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ओमेगा एंड न्यू, ये तो आसानी से हो जाएगा। देखिए आपको ओमेगा इज इक्वल टू 2π × 1/T लिख सकते हैं, जैसा दिख रहा है ये तो 2π रहने दिया आपने और 1/T को न्यू लिख लिया, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू। अगर कभी ज़रूरत पड़े फ्रीक्वेंसी को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए तो इससे आप काम चला सकते हैं। चलिए एक दो और इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये भी आप कर लें। जैसे आपको फिफ्थ रिलेशन ये चाहिए, रिलेशन बिटवीन भी मतलब लीनियर वेलोसिटी एंड ओमेगा,
काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए इसमें भी एंगुलर लीनियर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसको शुरू कहाँ से करें? ओके, तो आपके पास बेसिकली था डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, याद आ रहा होगा हम लोग थोड़ी देर पहले लिखे थे, तो इसको आप डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। ओके, अभी आप एक काम कीजिए, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी कर लीजिए। ऑब्वियस है कि इधर भी आप डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, लेकिन आर रेडियस तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्वियस है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होगा। अच्छा, चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो ओमेगा हो जाएगा, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास है, मतलब क्या है कि लीनियर वेलोसिटी, हाँ जी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस, आर क्या था, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन जूनियर क्लासेस में भी काम आया था, यहाँ भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपके काम का है। ओके, अब यहाँ का रिलेशन जो है वो पांचवा और अंतिम निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन ओके ए मतलब एक्सीलेशन एंड अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलेशन, ए एंड अल्फा का रिलेशन आपको निकालना है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे एक डेफिनेशन से, ए मतलब एक्सीलेशन। सबको नोन है कि ए जो होता है वो आपको डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। यहाँ पर जो वी का वैल्यू आया था वो लिख लीजिए, तो डेल्टा आर ओमेगा बाय डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ देखिए आर बेसिकली रेडियस है और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसको आप बाहर निकाल लीजिए, तब आप लिखेंगे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ऐसे केस में आर इंटू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी अभी डिफाइन किया आपने, ये क्या हो गया अल्फा, तो ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। एक और नया रिलेशन आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके लिए, इसको लीनियर एक्सीलेशन बोलेंगे और यहाँ पर अल्फा को एंगुलर एक्सीलेशन बोलेंगे। तो यहाँ भी रिलेशन क्या है, लीनियर एक्सीलेशन इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सीलेशन। ओके, तो जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थे उनकी बातें हमने कर ली, रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितनी ज़रूरत थी उन सब की बातें कर ली। अब बात है हमको रिलेशन का, जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन की ज़रूरत थी, तो यहाँ भी इक्वेशंस ऑफ मोशन चाहिए, वो भी सर्कुलर के केस में या एंगुलर के केस में। जैसा इक्वेशन ऑफ मोशन वहाँ ड्राइव करते थे, यहाँ भी डेराइव हो जाएगा। जैसे पहला आपको जो इक्वेशन निकालना है वो देखिएगा, आप सबसे पहले अल्फ़ा ले लीजिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू जैसा लिखा था डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, उसको छोटे लेवल पे करते तो डी ओमेगा बाय डी टी भी लिख सकते थे। ओके, यहाँ पर अगर हम डी ओमेगा लिखें तो अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी डी टी लिख सकते हैं। रही बात डिफरेंशियल फॉर्म में, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो चलिए दोनों साइड इंटीग्रेट एक साथ करते हैं, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अल्फ़ा और डी टी। हाँ, एंगुलर एक्सीलेशन अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन आपके पास डी टी और यहाँ पर डी ओमेगा। अभी टी जीरो रखते हैं तो वहाँ पर ओमेगा का वैल्यू जीरो रखिए, और नहीं ओमेगा जीरो रखिए, और टी को अगर टी रखें तो इसके वैल्यू को ओमेगा रखें। अब तो बात आएगी इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन कर लीजिए, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा होगा, कहाँ से, ओमेगा नॉट से लेकर के ओमेगा तक, और इधर अल्फ़ा डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, कहाँ से, जीरो से लेकर के टी तक। तो आपके पास आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इधर अल्फ़ा टी माइनस जीरो। तो फिलहाल आपके पास ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, पहला इक्वेशन आपके पास। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में आपने लिख लिया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, जहाँ पर जो क्वांटिटी है वो मालूम हो गया, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम, अल्फ़ा एंगुलर एक्सीलेशन। चलिए सेकेंड इक्वेशन भी निकाल लेते हैं साथ में, तो सेकेंड इक्वेशन को निकालने के लिए जैसा आपने लीनियर के साथ किया था वही ऐसा यहाँ भी कीजिए। सेकेंड इक्वेशन में आप अगर ओमेगा की बात करते तो डी थीटा बाय डी टी लिख सकते थे, अगर इंस्टेंटेनियस डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी लिखना है। ओके, अभी जो ओमेगा का वहाँ वैल्यू आया उसको पुट कर लीजिए, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी और साथ में यहाँ पर डी टी, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फ़ा टी डी टी। ओके, ये डी थीटा हो गया। चलिए इसके भी इंटीग्रेशन की बात कर लें, अगर इंटीग्रेट करते हैं तो दोनों साइड हमको इंटीग्रेशन करना होगा,
मैथमेटिकल ऑपरेशन आप दोनों साइड सेम रखेंगे, ये तो पहले से रूल है, अल्फा टी और डी टी। हाँ, यहाँ जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेना होगा आपको, एक बार जो भी कांस्टेंट आपको मिल रहे हैं उसको आप बाहर कर लीजिए। तो कांस्टेंट को बाहर करने की बात है, इस साइड तो आपके पास डी थीटा ही है, उधर कांस्टेंट ओमेगा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, इनिशियल चेंज नहीं होगा, फाइनल चेंज होगा, इनिशियल जीरो है तो जीरो रहेगा, इनिशियल कुछ भी दिया है वही रहेगा, इनटू डी टी प्लस यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन की बात कर रहे थे, अल्फा भी कांस्टेंट तो यहाँ पर टी इंटू डी टी। चलिए इंटीग्रेशन की बात कर लें, डी थीटा का इंटीग्रेशन, आपके पास थीटा आ गया, यहाँ पर ओमेगा इंटीग्रेशन क्या आ गया, टी आ गया, प्लस अल्फा ए वाला इंटीग्रेशन भी तोड़ लीजिए एक्स टू द पावर एन डी एक्स वाले में, तो ए यहाँ पर टी स्क्वायर बाय टू आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत हो तो उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ देख लेंगे। लिमिट की बात करें, ओके, तो चलिए यहाँ जीरो से लेकर के थीटा चलते हैं, यहाँ पर जीरो से लेकर के टी, क्योंकि टी वेरिएबल है वहाँ, जीरो से लेकर के टी तक, तो वैसे केस में जीरो से थीटा, जीरो से टी और जीरो से टी, हाँ लिमिट पुट करना होगा, जीरो से थीटा, जीरो से टी और जीरो से टी। जब लिमिट पुट कर लेंगे तो पुट करने के बाद से आपके पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सिमिलर रिलेशन आया है, रिलेशन चेंज नहीं है, फिर से सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए आप। हर इक्वेशन को मैं डेराइव करके दिखा रहा हूँ, कभी कभी डेरिवेशन पूछता भी है, और इक्वेशन पे फेथ तब होता है जब हम लोग उसको डेराइव कर लें, तो फेथ बनाने के लिए भी इक्वेशन डेराइव कर लिया कीजिए। चलिए अब आपके पास थर्ड इक्वेशन की बात करनी है। ओके, थर्ड इक्वेशन वहाँ भी देखिए टाइम से इंडिपेंडेंट था, और यहाँ भी थर्ड इक्वेशन आपको टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हम चलिए, हमारे पास दो ही डेफिनेशंस हैं, एक तो एक्सेलेरेशन का है, दूसरा वेलोसिटी का है। एंगुलर एक्सेलेरेशन वाला डेफिनेशन डी ओमेगा बाय डी टी को ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज भी एक रूल के तहत, रूल है चेन रूल, तो चेंज क्या करते हैं, यहाँ पर डी थीटा बाय डी टी इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। ओके, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चेन बन गया, यहाँ पर एक चेन बन गया, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो वापस आप इसी इक्वेशन में पहुँच जाएंगे। इक्वेशन में ऐसा नहीं है, इक्वेशन का फॉर्मेट हमने चेंज नहीं किया अपनी सुविधा के लिए, लेकिन जैसे ही हम डी थीटा बाय डी टी लिखेंगे तो इसको ओमेगा लिखेंगे, वो तो डी ओमेगा बाय डी थीटा था ही, ये अल्फा, तो ऑब्वियस है कि ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी थीटा आप लिख लेंगे। अब बात आएगी यहाँ भी इंटीग्रेट करने की, तो इंटीग्रेशन कर लेना है कॉन्स्टेंट को बाहर करते हुए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अल्फा कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए, डी थीटा का इंटीग्रेशन, ये तो ओमेगा स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, जैसे टी डी टी का टी स्क्वायर बाय टू हुआ था, उसी तरह से ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। हाँ, और यहाँ पर अल्फा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा। लिमिट की बात कर लें, है ना, यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट, फाइनल को ओमेगा, इनिशियल पोजिशन को आपने जीरो, फाइनल को थीटा, तो ये वाला ओमेगा नॉट से लेकर के ओमेगा तक, और ये जीरो से लेकर के थीटा तक। ओके, वैल्यू पुट कर लीजिए तो देखिए तीसरा इक्वेशन भी आपके पास मौजूद होगा ऐसा। ओके, ये नोट कर लेंगे, तो थर्ड इक्वेशन भी आपके पास आ गया, वन बाय वन करके तीनों इक्वेशन, अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है, हाँ ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और पेन और पेपर से नोट बुक ज़रूर बना लीजिएगा, नोट्स जो आपका है वो आपके लिए सबसे बड़ा हेल्प है, बिना नोट्स के पढ़ाई थोड़ी सी कठिनाई भरी होगी, ये आपकी ड्यूटी होगी कि आप अपना नोट्स प्रॉपर बना लें, वो नोट्स बहुत दिनों तक काम आएगा। हाँ, तो तीन इक्वेशंस आपके पास आ गए, देखिए इक्वेशंस ऑलमोस्ट सेम हैं, आप पहला इक्वेशन अगर वहाँ लिखते थे तो क्या लिखते थे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो याद करने में तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, पैटर्न सेम है, बस सिम्बल्स बदले हैं, तो सिम्बल्स अगर बदले हैं, पैटर्न सेम है, तो बस माइंड सेट बना लेना है और याद कर लेना है। तीनों इक्वेशन जैसे यहाँ थे, सिमिलर इक्वेशन यहाँ मिल गए। चलिए एक दो क्वेश्चंस भी इस पे कर लिए जाएं, बोल रहा है तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसके बाद से थीटा का वैल्यू दे दिया है, थीटा इज इक्वल टू 400 रेडियन, और टाइम भी आपको दे दिया है 1 सेकेंड, आपको अल्फा निकालना है, और इसके बाद से एक ओमेगा डैश आपको निकालने बोल रहा है, जब टी डैश आपको दिया हुआ है कितना, तो 20 सेकेंड्स, अच्छा यहाँ 10 सेकेंड्स था, यहाँ 10 सेकेंड, ओके ओके, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन को ले लीजिए, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पर 400 वैल्यू पुट कर दिया, ये तो जीरो था, प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू 10 इंटू 10,
सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, अल्फ़ा आपका आ जाएगा अरेंज करके उधर से, तो हाँ अल्फ़ा आ गया 8 रेडियन पर सेकेंड शायद आपको मिल गया होगा। ओके, सो अल्फ़ा का वैल्यू निकलने के बाद से अब सेकेंड केस जो इसमें करना है उसको भी कर लेते हैं। सेकेंड केस में आपको ओमेगा डैश निकालना है जब आपके पास वही टॉर्क कंटिन्यू किया, टॉर्क मतलब यहाँ पर जो रोटेशन कराता है, फोर्स लीनियर मोशन कराता है, टॉर्क रोटेशन कहलाता है। तो यहाँ पर ये तो जीरो था प्लस अल्फ़ा, अभी आपके पास 8 आ गया और टाइम आपको 20 सेकेंड्स दे दिया, तो ये 160 ये रेडियन पर सेकेंड जैसा कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ओके, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार पढ़ जरूर लेंगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना होता है अगर उसके मीनिंग तक पहुंचना है तो, और बिना मीनिंग तक पहुंचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें देखिए कुछ आरपीएम दिया हुआ है, आरपीएम जो भी है वो आपको बेसिकली फ्रीक्वेंसी है ये 420 ओके आरपीएम, और फाइनली स्टॉप की बात कर रहा है मतलब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। इस केस में अल्फा भी दिया हुआ है, चूँकि स्टॉप कर रहा है इसलिए नेगेटिव लेना होगा, ये रिटार्डेशन वाला केस होगा। आपसे पूछा है कि कितने सेकंड में जाकर के स्टॉप होगा। ओके, अगर ये आरपीएम पहले दिया हुआ है मतलब इनिशियल दिया हुआ है, इसको चाहेंगे मैंने बताया भी था कि 60 से डिवाइड करके आरपीएस मतलब एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए तो 7 होगा। अब आपके पास ओमेगा नॉट का वैल्यू 2π(ν) एक्सप्रेशन बताए थे, इसमें पुट कर दीजिए, सब कुछ कैंसिल होने के बाद से 44 रेडियन पर सेकेंड होगा। ओके, पुट कर लीजिए वैल्यूज। अब किस इक्वेशन में, तीनों इक्वेशन आपके पास हैं, पहला इक्वेशन आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहाँ पर ही पुट कर लीजिए, तो ये जीरो इज इक्वल टू ये तो 44 और माइनस 2 इंटू टी, तो 2t इज इक्वल टू 44 ओके, मतलब t इज इक्वल टू कितने, तो 22 सेकेंड्स आंसर आ गया।